आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है अभिकथन और तर्क का, तो चलिए देख लेते हैं अभिकथन को। इसमें दिया गया है बंधता असुरक्षित सहवास के बावजूद बच्चे उत्पन्न न करने की अयोग्यता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं बंधता को, इसे स्टेरिलिटी भी कहा जाता है। इसके अंदर एक दंपत्ति जो है, अर्थात पति पत्नी जो है स्टूडेंट्स, वे असुरक्षित सहवास लंबे समय तक, तो हम लिख लेते हैं लंबे समय तक असुरक्षित सहवास या असुरक्षित संभोग, तो लिख लेते हैं लंबे समय तक असुरक्षित, अर्थात उन्होंने किसी प्रकार की कोई गर्भ निरोधक उपाय का या विधि का उपयोग नहीं किया है। असुरक्षित संभोग के बावजूद भी वे संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो दंपत्ति हैं ये कहलाते हैं स्टूडेंट्स बंध्य दंपत्ति, और ये जो घटना है ये कहलाती है बंध्यता। अब बंध्य दंपत्ति जो है, इनकी सहायता करने के लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकियां होती हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स ये क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, तो लिख लेते हैं यहाँ पर प्रौद्योगिकियां, या फिर इन्हें ARTके नाम से भी जाना जाता है, अर्थात स्टूडेंट्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, तो इनका उपयोग करते हुए बंधे दंपत्ति जो है इन्हें जननक्षम बनाया जाता है, अर्थात सहायक जनन प्रौद्योगिकियां जो है, या इन्हें ARTकहा जाता है, ये जनन अक्षम दंपतियों की सहायता करते हैं संतान उत्पत्ति में। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पर अभिकथन की ओर। यहाँ पर दिया गया है बंधता असुरक्षित सहवास के बावजूद बच्चे उत्पन्न न करने की अयोग्यता है, बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट्स, यह अयोग्यता है बच्चे न उत्पन्न करने पाने की। तो देख लेते हैं आगे की ओर तर्क दिया गया है। इसमें लिखा है बंधे जोड़े सहायक जनन प्रौद्योगिकियों या ARTका उपयोग करके बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सत्य है, ARTकी सहायता लेकर जो बंधे दंपत्ति है ये बच्चे पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो अभिकथन और तर्क दिया गया है ये बिल्कुल अलग अलग है, इनमें अलग अलग विशेषताएं बताई गई है स्टूडेंट्स, तो जो तर्क है वह अभिकथन को व्यक्त नहीं करता है, इसे स्पष्ट नहीं करता है, इसका स्पष्टीकरण नहीं देता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं, सही हैं, और आगे की ओर लिखा हुआ है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, तर्क जो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हमारे पास बी दिया हुआ है, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी दिया गया है, अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, स्टूडेंट्स दोनों ही सत्य हैं, सही हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। और ऑप्शन डी दिया है, अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।